नमस्कार, स्वागत है आपका नो कट्स नो लट्स ऑल रॉ के डे 11 में। दुख दर्द पीड़ा को साइड रख सीधे ट्रेनिंग पे। तो मैं ट्रेन कर रहा हूँ आज पेक्टोरियल मसल। सुकून मिलता है सीधे बोलते, साधारण भाषा में बोलूँ चेस्ट। तो पेक्टोरियल मसल में दो मसल होते हैं, एक मेजर एक माइनर। आप जैसे जैसे एंगल चेंज करते हैं एक मसल ज़्यादा डोमिनेट होता है जो है माइनर। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हर किसी को अलग तरीके से हिट करेगा। मैंने रखा है लो इंक्लाइन और एक, लेकिन अलग बात है ये बार रेगुलर बार से अलग है, बात करूँगा उस पर। लेकिन पहले सेट कर लेता हूँ क्योंकि ट्रेनिंग भी करना ज़रूरी है, सिर्फ बातें नहीं। तो आराम से मज़े से करना है क्योंकि उद्देश्य एक ही है, जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से मसल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट कर पाऊँ। तो करते हैं, मतलब मैं करता हूँ, आशा है आप लोग भी ट्रेनिंग करते हो। तो चलिए, हर हर महादेव, इस बार में और रेगुलर बार में अंतर बताता हूं। बट पहले तो ये बार बफ या बफलो बार रेगुलर बार से इसके डिजाइन की वजह से है और इसका अपना एक बेनिफिट है जो है एक्स्ट्रा रेंज। इसमें एक एक्स्ट्रा रेंज मिलती है जिसके कारण आपके मसल को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। ज़्यादा वर्क मींस आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपके मसल को ज़्यादा स्टिमुलेंस फील होगा। लेकिन ये हर बार ही नहीं होता है, खासकर अगर आपको इंजरी है तो ये सब नहीं, आप रेगुलर मूवमेंट पर हैं। जो रेगुलर बार है उसका लिमिटेशन है, वो पहले ही चेस्ट को टच हो जाती है तो इतना ही, इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेच मिलता है। बट इसका एक डाउनफॉल है जो मेरे को पर्सनली फील होता है, वो है लोडिंग बार में करना। ये बार रेगुलर बार से थोड़ी सी बड़ी है, 7.2 है, रेगुलर बार 7 फीट की है। तो इसमें जब वेट लोड करना पड़ता है इसको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक साइड से ज़्यादा वेट लोड हो गया ये उठ जाएगी। ऐसा मेरे साथ एक बार ही हुआ है, मैंने प्लेट निकाली तो ये बार सीधे दीवार में धंस गई, वहाँ निशान भी पड़े हैं वो है। और इसमें एक चैलेंजिंग वर्क है मूवमेंट करते हुए, इस बार को बैलेंस करना पड़ता है। रेगुलर बार में इतना नहीं है, जितना रेगुलर बार में लगता है उसका डबल मेहनत इसमें लगती है बार को बैलेंस करने में, क्योंकि ये मूव बहुत करती है। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा रिजल्ट्स के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, लेकिन ध्यान से, क्योंकि ये अगर बार गिर गई, लास्ट टाइम गिरी थी, अगर आप दोबारा गिरी और टूट गई तो मेरे को अच्छा खासा फटका लगेगा जेब पे और दिल पे भी। लेकिन हर बारी एक्स्ट्रा सही नहीं होता, जैसे मैंने कहा, खासकर अगर आप इंजरी में हो तब तो बिल्कुल नहीं, और आपको अगर खुद पे काबू नहीं है जो जो उसमें एक्टिविटी करते हैं तो बिल्कुल ये एडवांस या फिर मॉडिफाइड बारबल्स वगैरह यूज़ ना करें, जितना हो सके उतना बेसिक से ही स्टिक रहें। अगेन मैं खुद भी बेसिक से स्टिक रहता हूँ, बस इस पे थोड़ा अच्छा काबू है तो इससे मेरे को एक्स्ट्रा रेंज मिलती है। इंस्टेड ऑफ डंबल मेरे पास लिमिटेड डंबल्स है, सबसे बड़ा डंबल आई थिंक 20-20 का है, तो उससे ऊपर मैं लिफ्ट नहीं कर सकता डंबल पे, अदरवाइज एक्स्ट्रा रेंज के लिए डंबल बढ़िया है। तो मशीन भी नहीं है कि एक्स्ट्रा रेंज कर सकूँ, इस पे सेटअप करना बहुत जद्दोजहद वाला काम होता है स्पेस कम होने के कारण। उम्मीद है आने वाले समय में वो भी सॉर्ट हो जाए, बट जब तक वो सॉर्ट होती है तब तक मैं ट्रेनिंग करता रहूँगा और मैं आगे बढ़ता हूँ ट्रेनिंग में। आज के लिए बस इतना ही आपके साथ, मिलेंगे कल, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे सेफ।